हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WsCube Tech यूट्यूब चैनल। मैं हूं और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं गूगल टैग मैनेजर की। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर देखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर के कौन कौन से कंपोनेंट्स, और इन चीज को इन डेप्थ समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे गूगल टैग मैनेजर का, और ये समझेंगे कि उसका डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इज Google Tag Manager is a free tool that allows you to manage and deploy marketing tags which are snippet of codes or tracking pixels on your website or mobile application without having to modify the code. बहुत सारे ऐसे snippets और codes होते हैं, ऐसे tracking pixels होते हैं जिनको हमें embed करना पड़ता है अपनी website की code में, ताकि जो website के ऊपर activities हो रही है उनको हम समझ पाएं या track कर पाएं Google Analytics जैसे code में। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक example से बता देता हूँ। यहाँ पर सपोज करते हैं कि हम लोग एक वेबसाइट पर जाते हैं WsCube Tech। अगर मैं इसके कोड को देखूं, क्यूब पेज सोर्स पर आप जाएंगे तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ एनालिटिक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्निपेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा स्निपेट लगा हुआ है जो कि है हमारे गूगल एनालिटिक्स का, जो बताता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स का एक स्निपेट एम्बेड है। बट ऐसे बहुत सारे स्निपेट्स होते हैं, चाहे वो फेसबुक पिक्सल्स की बात हो, गूगल एनालिटिक्स की बात हो, बहुत सारे रीमार्केटिंग के स्निपेट्स आते हैं, उन सबको हमको अपने कोड में यहाँ पर लगाना होता है जिस तरीके से वो, जिससे कि वो काम करना स्टार्ट करें और हमें हमारी वेबसाइट के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उस बिहेवियर को हम ट्रैक कर पाए। बट अगर यहाँ पर डायरेक्टली कोड में उस स्निपेट को ना रख के एक हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया जाए कि भाई ये एक कॉमन छोटा सा आपको डैशबोर्ड दे दिया गया है जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, उस इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड कोड्स वहाँ पर नहीं दिख रहे, बल्कि वहाँ पर बटन्स हैं और उसका इंटरफेस जो है काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पर कोड्स को एम्बेड कर पाएंगे, बड़ी आसानी से वहाँ से कोड्स को लगा पाएंगे। तो इस टाइप की जो फैसिलिटी है कि जो दूसरे मार्केटिंग के कोड्स हैं, जो दूसरे ट्रैकिंग पिक्सल्स हैं, उनको हम वेबसाइट पर लगा पाएं, तो इसके लिए मीडिएटर का काम करता है हमारा गूगल टैग मैनेजर, और ये बिल्कुल फ्री सर्विस है फ्रॉम गूगल। द गूगल टैग मैनेजर और GTM becomes very handy when you have lot of tags to manage because all of the code is stored in one place. अभी मैं आपको प्रैक्टिकल ये गूगल टैग मैनेजर का जब मैं डैशबोर्ड दिखाऊंगा तब आप इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे कोड्स को हम एक ही जगह पर रख सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। बार बार हमें अपने वेबसाइट के कंप्लीट कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द थर्ड पॉइंट इज बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ टैग मैनेजर इज एज द मार्केटर यू मैनेज द कोड ऑन योर ओन, नो मोर डेवलपर्स नीडेड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से गूगल टैग मैनेजर इतना ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग स्निपेट्स होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, उस पर किस तरीके से लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या उस पर कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती किसको है। इसकी ज़रूरत वेबसाइट डेवलपर को तो है नहीं, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी जो मार्केटर है, उसको इस टाइप की डेटा चाहिए ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी को और मॉडिफाई कर सके। और तो आपको अगर कोई कोड लगाना है, सपोज करते हैं फेसबुक पिक्सल का ही अगर आपको कोड लगाना है, तो आपको अपने डेवलपर को बोलना पड़ता है कि भाई यहाँ पर आप कोड लगा दो, हमारे फेसबुक पिक्सल का जो टैग है वो यहाँ पर आप लगा दो हमारी वेबसाइट के कोड में। बट अगर ये ही सारी फैसिलिटीज आपको अपने एंड पर मिल जाए, यानी मार्केटर को अपने एंड पर मिल जाए कि जिस तरीके के उसे टैग्स लगाने हैं वो एक डैशबोर्ड के थ्रू बड़ी इजीली वहां से लगा सके, तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं गूगल टैग मैनेजर से। यहाँ पर नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट से जो डेटा कलेक्ट हो रही है वो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू बाकी के प्लेटफॉर्म्स तक जा रही है, यानी कि गूगल टैग मैनेजर एक बीच में मीडिएटर की तरह है, और इस साइड हमारे पास ट्रैकिंग कोड्स होते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म के, गूगल एनालिटिक्स का अपना कोड है, गूगल एडवर्ड्स का अपनी स्निपेट होती है जिसको हम वेबसाइट से इंटरैक्ट कराने के लिए उसमें एम्बेड करते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वेबसाइट के कोड में ना इस स्निपेट को इंस्टॉल करके, बल्कि हम क्या करते हैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट में उनको एम्बेड करते हैं। तो ये है हमारा गूगल टैग मैनेजर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो गूगल टैग मैनेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इन टैग्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कोई स्क्रिप्ट होती है, वो पिक्सल्स हो सकते हैं,
छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं कोड्स के, जिनको हम टैग्स बोलते हैं, ट्रिगर्स होती है कि वो जो कोड हमने लगाया है वो कब एक्टिवेट होना चाहिए। इसको अभी मैं प्रैक्टिकल पर जाऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज वेरिएबल्स, विच इज एडिशनल इंफॉर्मेशन गूगल टैग मैनेजर में नीड फॉर द टैग टू ट्रिगर टू वर्क। यानी कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गूगल टैग मैनेजर को चाहिए होती है तभी वो टैग फायर होगा, ठीक है, या वो जो टैग के थ्रू जो हमने ट्रिगरिंग इवेंट लगाया है कि भाई क्या ट्रिगर होना चाहिए तभी वो फायर होगा। चलिए इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि जो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझने में वहां पर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल टैग मैनेजर के पास, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं गूगल टैग मैनेजर, एंटर, ये फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। गूगल के अकाउंट से हमें लॉग इन करना है, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट सेटअप है। अभी तक हमने अपनी वेबसाइट के लिए गूगल टैग मैनेजर को नहीं सेट किया है। कहने का मतलब यह है कि गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो कोड्स डालने हैं, हमें जो जावास्क्रिप्ट, हमें जो स्निपेट्स डालने हैं वो कहाँ पर डालने हैं? वेबसाइट पर डालने हैं। और किसके थ्रू डालने हैं? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू डालने हैं। तो पहले तो गूगल टैग मैनेजर और वेबसाइट के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए ना, यानी कि एक ऐसा कोड हमें मिलेगा जिसको हमें अपनी पहले वेबसाइट पर डालना है ताकि ये पता चल जाए कि ये जो मेरा टैग मैनेजर है ये इस वेबसाइट, सपोज करते हैं इस एग्जांपल में WsCube Tech वेबसाइट के लिए काम कर रहा है। यहां पर मैंने बहुत सारे कोड्स डालने हैं, जैसे फेसबुक पिक्सल का कोड ऐड करना है, तो अब गूगल टैग मैनेजर किस वेबसाइट पर जाके ऐड करेगा? इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि गूगल टैग मैनेजर इस वाली वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करे। तो सबसे पहला एक काम क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर गूगल टैग मैनेजर के कोड को डिप्लॉय कर देते हैं ताकि गूगल टैग मैनेजर और वेबसाइट आपस में इंटरैक्ट कर सके। बाद में गूगल टैग मैनेजर पे हम अलग अलग कोड्स डालेंगे जो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में चले जाएंगे, कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABC, यहां मैं आपको समझाने के पर्पज से डाल दे रहा हूं, इन जनरल इंडिया, कंटेनर नेम। अब यहां पर आपकी वेबसाइट आएगी जिस पर आप गूगल टैग मैनेजर लगाना चाहते हैं, WsCubeTech.com। वेयर टू यूज द कंटेनर, यानी ये वेबसाइट का यूज कहां पर होगा? तो डेफिनेटली ये वेब प्लेटफॉर्म है, क्रिएट, इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, यानी कि जो मैं बता रहा था आपको कि इस वेबसाइट से गूगल टैग मैनेजर किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, तो पहले गूगल टैग मैनेजर को यहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर हमें कोड मिल रहा है, इस कोड को हमें कॉपी करना है और इस कोड को हमें अपनी इस सोर्स कोड वाले हेड वाले पोर्शन में, जो इसका HTML होगा, इस सोर्स कोड का, इसके हेड वाले पोर्शन में हमको इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद में ये बॉडी टैग में इस वाले पोर्शन को पेस्ट कर देना है, ओके कर देना, और ये गूगल टैग मैनेजर हमारा वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको केवल डैशबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूं कि क्या होते हैं टैग्स और गूगल टैग मैनेजर क्या होता है। तो अब जब हमारा गूगल टैग मैनेजर वहां पर इंस्टॉल हो गया तो इस तरीके का कुछ एक्टिव डैशबोर्ड आपको दिखने लगेगा। अगर हम दूसरे और भी वेबसाइट्स के लिए काम करना चाहते हैं तो यहां पर आप एडमिन में जाएंगे और यहां पर आप दूसरे अकाउंट्स या दूसरे कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज योर वेबसाइट कंटेनर का यहाँ पर एक छोटा सा मतलब है वेबसाइट, इनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अभी हमको वर्क स्पेस समझना है कि भाई जब हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ ऐड कर दिया, मतलब अब गूगल टैग मैनेजर और हमारी वेबसाइट आपस में ज्वाइन हो गई, इंटरैक्ट कर रही हैं। अब हम आते हैं सीधे न्यू टैग पर कि हमें अपनी वेबसाइट पर कोई एक नई स्क्रिप्ट लगानी है जिसको हम डायरेक्ट कोड में नहीं लगाएंगे बल्कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे। तो आप यहां न्यू टैग पर क्लिक करेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, चाहे तो आप यहां पर जो अनटाइटल्ड टैग दिया हुआ है इस पर कुछ टैग का नाम रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इनिशियली मानूं कि मैं यहां पर एनालिटिक्स का कोड लगाने वाला हूं तो अपने समझने के लिए मैंने इसको एक नाम दे दिया, एंड दैट देन टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, गूगल एनालिटिक्स वाले पे टैग पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी देखिए आप बहुत सारे टैग्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, और सबसे खास बात क्या है कि ये गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो केवल आपको गूगल के टैग ही इंस्टॉल करने में फैसिलिटी प्रोवाइड कर, देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी टैग्स हैं जिनको आप
इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर कस्टम भी है। अगर कोई कोड यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे कि आप उसका कस्टम HTML कोड भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और फिर उसको स्टैक की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज हमें गूगल टैग मैनेजर के प्लेटफॉर्म से मिलती है। फिर हम लोग एनालिटिक्स के टैग को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनालिटिक डाला, टैग कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक किया था, टैग के टाइप को हम एनालिटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रैक टाइप यहाँ पर दिया हुआ है पेज व्यू, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो है हमारा ट्रिगरिंग पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि किस टाइप के एक्शंस को एनालिटिक्स तक भेजना है। देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर जो हमने एनालिटिक्स का कोड लगाया तो इससे क्या हुआ, अब गूगल एनालिटिक्स जो है वो हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई, और गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हमने एनालिटिक्स को लगा दिया। अब बात आई कि एनालिटिक्स पर जब हम लॉग इन करेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट की कौन सी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, इसका कस्टमाइजेशन यहां से होता है ट्रिगरिंग से। हमें सारे पेजेस चाहिए, यहां पर हमने क्या लिखा है पेज व्यू, यानी ट्रैक क्या करेंगे हम, पेज व्यू को हम ट्रैक कर रहे हैं कि कितने हमारे पेज के व्यू हो रहे हैं। तो जब हम ट्रिगरिंग पर जाएंगे तो हमें यहां पर और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं कि हम ऑल पेज व्यू को देख रहे हैं, और भी ज्यादा आपको अलग अलग, जब आप कोड्स पर जाएंगे तब आप इन चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे कि ट्रिगरिंग क्या होती है। बेसिकली ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि जो हमने कोड लगाया, बहुत आसान से लैंग्वेज में अगर हम इसको समझना चाहें तो जो हमने यहाँ पर ये कोड लगाया है ये कब फायर होगा, यानी ये हमें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर कब रिजल्ट देगा और कौन सा रिजल्ट देगा, ये काम होता है हमारा ट्रिगरिंग से। तो यहाँ पर हमने ऑल पेज व्यू लगा दी, यानी कि कोई भी पेज व्यू होगा हमारी वेबसाइट पर, जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं अगर कोई भी पेज व्यू हो रहा है तो यहाँ पर ये वाला इवेंट ट्रिगर कर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम और भी ज्यादा इसके अंदर विदिन, यानी टैग को इम्बेड करने की ही केवल हमारे पास फैसिलिटी नहीं है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, बल्कि उसके इवेंट्स को और उसके दूसरे ट्रिगर्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम सेव कर देंगे, तो क्योंकि ये अभी कंप्लीटली सेटअप नहीं है यहां पर, इसलिए ये इसको सेव नहीं करेगा। बट इस तरीके से हमारा टैग काम करता है, और एक टैग नहीं बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे टैग्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्री मेड टैग्स नहीं है तो आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उनका HTML कोड्स भी लिख सकते हैं। ट्रिगर्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू पर आप जाएंगे तो आप ट्रिगर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ट्रिगर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पर हमने देखा था पेज व्यू की बात कर रहे हैं, तो अब ये यहां पर है कि भाई अगर एनालिटिक्स में हमें और कौन कौन सी डेटा चाहिए। पेज व्यू में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, अगर कोई विंडो लोड भी हो रही है तब भी हमको वहां पर ट्रिगरिंग हो जाए, यानी वहां पर हमको डेटा मिल जाए। अगर कोई क्लिक हो रहा है तो कोई लिंक पर क्लिक हो रहा है तब हमें वहां पर डेटा मिलनी चाहिए, या क्लिक पर या किसी एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है तब हमें वहां पर डेटा मिलनी चाहिए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाई लेवल का कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल आपके पास है थ्रू गूगल टैग मैनेजर। तो अगर आप समझते हैं ये इतना आसान है तो उतना आसान भी नहीं है, इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। आपको इसके सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना होगा और आपको गूगल टैग मैनेजर अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहां पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, अगर हमें कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम वेरिएबल के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो हम गूगल टैग मैनेजर को दे सकते हैं ताकि हमारे ट्रिगरिंग वाले इवेंट्स में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग गूगल टैग मैनेजर की। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आप तक लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।